अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू और मिक्स सब्जियों की टिक्की। और ये बनाना बहुत ही आसान है और ऊपर से एकदम से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम आलू, जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। तो इसमें हम डालेंगे एक प्याज बारीक कटी हुई, 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटी हुई कैबेज, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और 5 से 6 हरी मिर्च जिसे मैंने काट लिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। थोड़ा कटी हरी धनिया डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन जिसे इस तरह से हाथों से मसल के डालेंगे, 1 नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1/4 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, ये देखिए। अब हाथों को पहले तेल से ग्रीस कर लें, उसके बाद छोटा सा पोर्शन लेंगे, आपको जितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से, और फिर इसके हम इस तरह से टिक्की बना लेंगे। तो इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टिक्की बना के तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में 5 से 6 टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है, अब इसके अंदर हम एक एक करके डाल देंगे। इसे हमको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, जब एक तरफ से हो जाएगा अच्छा सा कलर आ जाएगा उसके बाद इसे हम पलट देंगे। एक तरफ से हो गया है तो इसे हम पलट देते हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ उलट कर फ्राई कर लिया, देखिए दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी जितने बचे हैं उसे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे।